अस्सलाम वालेकुम। तो अब हमने देखना है एसिड कैटालाइज एडिशन रिएक्शन। तो हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में ही देखा था कि जो इस चैप्टर के स्टार्ट में बताया गया था कि आपके पास जो रिएक्शंस होती हैं ये दो किस्म की होती हैं, एसिड कैटालाइज भी होती हैं और बेस कैटालाइज भी। तो नाम से ही पता चल रहा है बेस कैटालाइज कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हम बेस को एज अ कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करें, और कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को फास्ट कर देना। तो वो जो अगर हम देखें डीपली तो हमारे पास एल्डिहाइड्स और कीटोन्स रिएक्टेंट होते थे, और जब हम बेस डालते थे तो बेस न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर बढ़ा देता था। और हमने ये पढ़ा था कि जो एसिड होता है वो इलेक्ट्रोफाइल का इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर बढ़ाता है। तो अब हमने एसिड कैटालाइज रिएक्शन पढ़नी है कि कैसे एक एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर कोई चीज़ ऐड होती है और कैसे एसिड की मौजूदगी में वो रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो अगर आप देखें यहाँ पर कि आपने एसिड डाला, एच पॉजिटिव जो हाइड्रोजन आयन देता है एसिड, तो इसके ऊपर कार्बोनिल कार्बन के साथ जो अटैच होती है ना ऑक्सीजन, कार्बोनिल ग्रुप वाली ऑक्सीजन नेगेटिव इस पे अटैक करती है और ओएच के साथ जुड़ जाता है, और ओएच क्या ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज और एच साथ अटैच हो गया। तो अगर आप इसको यहाँ से देखें ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज एच साथ वैसे अटैच्ड है, तो अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर बढ़ चुका है इस हाइड्रोजन की वजह से। इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर के मतलब ये मोर इलेक्ट्रॉन लिविंग हो गया, मोर पॉजिटिव हो गया है, इलेक्ट्रॉन को जल्दी अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पहले ऑक्सीजन था ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन अब ऑक्सीजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया हाइड्रोजन के अटैच होने की वजह से, अब कार्बन इलेक्ट्रॉन लविंग हो गया, तो इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर कार्बन का बढ़ गया है। तो अब न्यूक्लियोफाइल आसानी से इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा और इसके साथ ये इस फॉर्म में जुड़ जाएगा, जब इसके साथ अटैच करेगा तो ये बन जाएगी। तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक किया, कार्बन का साथ जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ये सिंगल में कन्वर्ट हो गया और ये चीज़ बन गई। तो अगर हम इसको पढ़ें कि जो एसिड कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस विद वीक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट वीक होगा, द एडिशन इज इनिशिएटेड बाय द प्रोटॉन, प्रोटॉन के डालने से जो रिएक्शन है ये इनिशिएट होगा, द प्रोटॉन कम्बाइंस विद द कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम एंड इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर ऑफ द कार्बोनिल कार्बन। जो प्रोटॉन होता है आपके पास ये कार्बन कार्बन के साथ अटैच करता है, के साथ जो ऑक्सीजन होता है ये देखिए इसके साथ, और जो कार्बन कार्बन पे अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल ये इस तरह, तो इसके साथ अटैच करके ये क्या बन जाता है आपके पास, अल्कोहल। इसके बाद वो कहता है आपके पास के जो फॉर्मल्डिहाइड है और एसिड एल्डिहाइड है ये पॉलीमराइज होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, और ये मेटाफॉर्मल्डिहाइड और पैराफॉर्मल्डिहाइड आपको बना के देते हैं। ये आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है, जब आप एसिड की मौजूदगी में इसको ऐड करेंगे तो ये मेटाफॉर्मल्डिहाइड बनेगा, और जब आप इसको एसिटल्डिहाइड में एसिड डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में तो ये पैराफॉर्मल्डिहाइड। अब हम देखते हैं कि मेटाफॉर्मल्डिहाइड है क्या। ये आपके पास तीन किस्म के एल्डिहाइड है, अगर आप इसको शॉर्ट में लिखें तो ये बनता है CH2O। तो ये आपके पास CHOH नहीं है एक्चुअल में, ये आपके पास क्या है, CH2O है। तो आपके पास ये जो CH2O है इसको आप ये इस तरह लिख सकते हैं CH2O, ये एक और CH2O और ये CH2, तो तीनों एल्डिहाइड को आप आपस में जोड़ दें पॉलीमर बन जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, मेटाफॉर्मल्डिहाइड। इस तरह ये आपके पास एसिड एल्डिहाइड क्या है एक्चुअल में, CH और इसके साथ ही ऑक्सीजन है, और इस सी एच के साथ क्या जुड़ा हुआ है आपके पास, CH3। तो ये आपके पास ये एक CH3 आ गया, ये आपके पास दूसरा आ गया, और ये आपके पास तीसरा आ गया। तो आपके पास एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, और इसी कार्बन के साथ नीचे क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप CH3। तो ये आपके पास पैराल्डिहाइड, और पहले जो बना है वो मेटाफॉर्मल्डिहाइड था।
तो एसिड कैटलाइज एडिशन रिएक्शन होता क्या है, आप जस्ट एसिड डालते हैं, वो अपना प्रोटॉन देता है, उस प्रोटॉन के ऊपर ऑक्सीजन जो है कार्बन कार्बन वाला अटैक करके लेने के बाद ये चीज़ बन जाती है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और ये आपके पास अल्कोहल के फॉर्म में हिस्सा आ जाता है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर कि आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है, तो फॉर्मेल्डिहाइड को जब आप एसिड की मौजूदगी में डालते हैं तो पॉलीमर्स बनते हैं जिसको मेटा फॉर्मेल्डिहाइड, और जब आप इसको एसिड एल्डिहाइड को सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में डालते हैं तो ये क्या बनता है, पैरा एल्डिहाइड, ये आपस में पॉलीमर्स बन जाते हैं ऑक्सीजन के थ्रू, ये लिंक्ड हो जाते हैं। अब हम देखते हैं रिएक्शंस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, कि अमोनिया एक्चुअल में आपके पास क्या है, देखें गौर से कि ये NH3, ये आपके पास अमोनिया है, इसके ऊपर ये लोन पेयर है, लेकिन अमोनिया डेरिवेटिव क्या होते हैं, ये आपके पास नाइट्रोजन आ गया, ये आपके पास H2 आ गया, इसके साथ एक H की जगह कोई चीज़ और अटैच हो जाती है, जी इसको कहते हैं, जी मीन्स कि कोई भी ग्रुप हो सकता है, OH भी हो सकता है, ठीक है, NH2 भी हो सकता है, यहाँ पर एक और NH2 भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर बेंजाइल ग्रुप भी हो सकता है, तो जी मीन्स के कोई भी ग्रुप हो सकता है आपके पास। तो जब आप एक अमोनिया से, मतलब कि आपके पास NH3 है, जस्ट एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो ये बन जाता है NH2, और उस हाइड्रोजन की जगह आपने रिप्लेस करके कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया तो ये आपके पास अमोनिया डेरिवेटिव बन गया। अब आपके पास यहाँ पर देखें अमोनिया डेरिवेटिव के अंदर ये आपके पास एल्डिहाइड है, क्योंकि आप रिएक्शन किस चीज़ की पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड की या कीटोन की, तो अमोनिया डेरिवेटिव के अंदर ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ये कार्बन कार्बन पे अटैक करता है हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये लोन पेयर कार्बन पे अटैक करेंगे और कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड की बजाय किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये जो ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये नाइट्रोजन से एच लेकर क्या बना देगा, OH बना देगा, और नाइट्रोजन के ऊपर जो दूसरा हाइड्रोजन रह जाएगा, ये देखें अमोनिया डेरिवेटिव के अंदर NH2, नाइट्रोजन का दो हाइड्रोजन थे, जब इस N ने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर तो ऑक्सीजन वाला बाड ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये चीज़ बन जाएगी C के ऊपर O नेगेटिव, और इसके साथ ही N के साथ कितने हाइड्रोजन हैं, दो, तो अब दो हाइड्रोजन इसके साथ G अटैच है, तो ये O इस हाइड्रोजन पर अटैक करके क्या बना देगा, OH, तो ये यहाँ से रेज हो जाएगा। अब हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ एक और हाइड्रोजन अटैच है ये वाला, तो ये एच भी इस ओ एच के साथ मिलकर क्या बना देगा आपके पास, वाटर। तो ओ एच और एच मिलकर क्या बना देंगे, वाटर, तो वाटर रिप्लेस हो जाएगा। तो एक्चुअल में हुआ क्या है, अगर आप इसको डीपली समझे कि आपके पास ये कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है, आप एल्डिहाइड ले लें यहाँ पर, इससे हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिमूव होगा और ये जो NH2 है अमोनिया डेरिवेटिव वाला, ये H2 और ये ऑक्सीजन, तो H2O रिमूव हो जाएगा और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन, तो ये डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ क्या जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन, कार्बन के बॉन्ड भी पूरे हो जाएंगे और इस नाइट्रोजन के बॉन्ड भी पूरे हो जाएंगे। तो मैकेनिज्म समझना है, एल्डिहाइड या कीटोन से ऑक्सीजन निकलेगा और जो आपके पास हाइड्रोजन है वो आपके पास दोनों किससे रिमूव होंगे, अमोनिया से। तो यहाँ पर देखें वो बताता भी है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद अमोनिया डेरिवेटिव GnH2, मतलब कि ये NH3 था आपके पास अमोनिया, तो इसका आपने क्या रिमूव कर देना है, हाइड्रोजन, उसकी जगह क्या लगा देना है, जी, तो टू फॉर्म कंपाउंड्स कंटेनिंग ग्रुप सी डबल बॉन्ड NG एंड वाटर, तो वाटर कैसे रिमूव होगा, हाइड्रोजन दोनों के दोनों नाइट्रोजन से रिमूव होंगे और ऑक्सीजन आपका एल्डिहाइड या कीटोन से, तो ये आपके पास वाटर बन जाएगा। इसके बाद वेयर जी इज इक्वल टू OH, आपके पास जो जी है कोई भी फंक्शनल ग्रुप है वो किसके इक्वल है, OH के, मतलब कि आपके पास जो फंक्शन ग्रुप है वो OH के इक्वल है, या NH2 के, या NH3CH5 के, या NaCO(NH2) के, आगे हम फर्दर देखेंगे कि ये कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। तो रिएक्शन विद हाइड्रोक्सलामाइन हम देखते हैं, सबसे पहले हाइड्रोक्सलामाइन नाम से पता चल रहा है, हाइड्रोक्सल मीन OH और अमाइन मीन NH2, तो ये भी अमोनिया डेरिवेटिव है, मतलब कि ये NH3 था, एक H की जगह क्या लगा हुआ है, OH, तो ये अमोनिया डेरिवेटिव हो गया, तो NH2OH।
अब होगा क्या, ये दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे, ये देखिए ये दोनों हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन। तो ये आपको शॉर्टकट बताता हूँ कि आपने करना क्या है। ये हाइड्रोक्सल अमीन है, ये OH हाइड्रोक्सल को और ये अमाइनो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ये एल्डिहाइड हो गया और ये कीटोन। दोनों केसेस में ये ऑक्सीजन यहाँ से और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, तो ये क्या बन गया आपके पास, वाटर H2O। ये सी डबल बॉन्ड डायरेक्ट आपने किसके साथ जोड़ देना है, नाइट्रोजन के साथ। तो जब यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन चले जाएंगे तो ये सी के साथ क्या जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन। तो ये आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, एन डबल बॉन्ड सी, एन एन के साथ क्या अटैच है, सी, और उसके साथ OH और ये CH3, ऐसे आ जाएगा। तो ये देखें, कि आपके पास जो नाइट्रोजन है ये डबली बॉन्डेड अटैच है किसके साथ, कार्बन के साथ, और कार्बन के ऊपर क्या है, CH3 और H है। तो नाइट्रोजन के साथ पहले क्या अटैच था आपके पास, दो हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन, तो वो अटैच जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बन देंगे, वाटर। तो ये आपके पास क्या बन गया, एथेनल ऑक्साइन। तो ये ऑक्साइन को रिप्रेजेंट करता है और ये एथेनल को, तो एथेनल ऑक्साइन। इसके बाद यहाँ पर देखें OH और NH2 मतलब कि हाइड्रोक्सल अमाइन है, ये कीटोन है, यहाँ से फिर ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन। तो ये नाइट्रोजन किसके साथ अटैच हो जाएगा, कार्बन के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन प्रोपानोन ऑक्साइन। तो प्रोपानोन ऑक्साइन बन जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, वाटर। इसके बाद है रिडक्शन रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन। तो फिनाइल हाइड्राजीन को पढ़ने से पहले आपको किसका पता होना चाहिए, हाइड्राजीन का। तो हाइड्राजीन क्या होता है, एक तो NH2 आपके पास था ही था, उस दूसरे H की जगह, क्योंकि ये अमोनिया डेरिवेटिव है, H की जगह भी आप क्या लगा दें, NH2। तो NH2 ये आपके पास क्या है, हाइड्राजीन। अब इस हाइड्राजीन के साथ आपने क्या लगाना है, फिनाइल। फिनाइल क्या होता है, C6H5। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, फिनाइल हाइड्राजीन। तो ये C6H6 क्या आ गया, फिनाइल, और ये आपके पास क्या आ गया, हाइड्राजीन NH2। तो यहाँ से एक H की जगह क्या लग गया, C6H5। तो ये बन जाएगा NH2NHC6H5। तो ये देखें, ये फिनाइल हाइड्रोजीन आ गया। अब इसमें भी क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन निकलेगा, वाटर, और उसको आपने अटैच कर देना है कार्बन के साथ, डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन और ये फिर नाइट्रोजन। तो ये बाकी सारी चीज़ें वैसे आ जाएंगी, सिर्फ इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निकाल देंगे, इस कार्बन को जोड़ देना है इस नाइट्रोजन के साथ, ये बाकी चेन का चेन वैसे जुड़ जाएगा। तो इसको कहते हैं एथेनल फिनाइल हाइड्राजोन। तो अगर ये आपके पास दोनों कीटोन, दोनों CH3 ग्रुप हैं, तो ये कीटोन होगा, एक H है तो एल्डिहाइड। तो इस केस में भी आपके पास क्या बनेगा, प्रोपानोन फिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा। ये आपके पास क्या है, वाटर। इसके बाद क्या है, रिएक्शन विद हाइड्राजीन। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, तो इसको आप डीपली देख लें, इंशाल्लाह बहुत क्लियर है, बहुत ही आसान है, आपने इसको बुक से पढ़ना है, आपको क्लियर हो जाएगा।